हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड एंड रिवाइजिंग प्रॉपरली एट योर होम। टुडे दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द एग्जीक्यूटिव। मैं गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स हमने पढ़े थे। दे आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव जो सेकंड इसका जो ऑर्गन है उसका ये लास्ट टॉपिक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद हमारा थर्ड ऑर्गन जुरिडिक्शन एंड जुडिशरी, वो पूरा हम एक वीडियो में कवर करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस वीडियो में कवर करेंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नाउ सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे पहले बात आपको याद होगा वो वाला एग्जाम्पल जो हम स्कूल से समझाए थे आपको। तो प्रेसिडेंट अपने जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उन एग्जीक्यूटिव पावर्स को एग्जीक्यूट या उनको इम्प्लीमेंट किनकी हेल्प से करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई मिनिस्टर ही तो उसके लिए लॉ को लेजिस्लेट करेंगे। प्रेसिडेंट थोड़ी ना बैठ के हर चीज का बिल प्रेजेंट करेंगे, हर चीज का पेपर, रिजोल्यूशन, मोशन प्रेजेंट करते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। ये काम कौन करते हैं? या किसी लॉ के ऊपर डिस्कशन चलता है, पार्लियामेंट सेशंस होते हैं, प्रेसिडेंट थोड़ी ना उनमें सभी में बैठ के सारे मुद्दों पे बात करते हैं। वो क्या करते हैं? वो पावर्स जो उनको मिली हुई है, वो उनकी एक्चुअल पावर्स को कौन एग्जीक्यूट कर रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। याद करो, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर। डायरेक्टर सर का ये है आपके कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अक्टूबर तक। अब अक्टूबर या नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए तो सर खुद नहीं आएंगे ना क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट करवाने। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए आपके वर्क को डायरेक्ट करेंगे प्रिंसिपल सर, आप उसको मॉनिटर करेंगे प्रिंसिपल सर, और टीचर्स जो है वो उस वर्क को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या है एक्चुअल में जो प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, उन एग्जीक्यूटिव पावर्स को किसकी हेल्प से प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी में आती है आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री भी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आते हैं आपके, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी आती है इसी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल टीचर्स को कुछ इंचार्ज बना दिया, हाउस इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज, स्पोर्ट्स इंचार्ज, को करिकुलर एक्टिविटी इंचार्ज एंड सो ऑन। तो इसी तरह से इसी में कैबिनेट भी आती है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बिकमिंग द कैबिनेट पर्सन? कैबिनेट पर्सन बनने के लिए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है? द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज द मेंबर, द मिनिस्टर मेंबर, द मिनिस्टर मेंबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर शुड बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होना उनका कंपल्शन है। बात सुनेंगे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट का मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे पीएम किसी को, या मैंने कहा ना सबसे पहला काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहला काम ही पीएम क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करते वक्त अगर कोई भी मिनिस्टर जिसको उन्होंने एज अ कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी डिपार्टमेंट दिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया है, दैट मेंबर या दैट मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, तब क्या होगा? वैसे तो क्या होना चाहिए? किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। और अगर वो मेंबर नहीं है तो आफ्टर डिक्लेयरिंग हिम एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, he or she should take the membership of any of the house within the 6 month of his declaration as a minister of council. Hindi mein samjhate hain isi cheez ko ki jab council of minister ka declaration hota hai, council of minister, to pehli baat to ye ki wo koi na koi member hone chahiye kisi na kisi house ke, whether it is of upper house or it is of lower house. अगर वो मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें अपनी काउंसिल में या कैबिनेट में या जो प्रेसिडेंट की हेल्प से उन्हें नहीं इंक्लूड कर सकते। ही और शी कैन बी इंक्लूडेड, उनको इंक्लूड किया जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्ट्री में। लेकिन लेकिन अगर वो मेंबर नहीं है तो उस दौरान कंडीशन क्या होगी कि विद इन द 6 month ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हिम एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं बता देती हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे वो डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद उसके विद इन द 6 months के अंदर ही क्या हो जाना चाहिए, वो मेंबरशिप ले लेंगे किसकी? एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उनका किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना या उसकी मेंबरशिप लेना क्या हो जाएगा? कंपल्शन। अदरवाइज उनका एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पद है वो क्या हो जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा।
अब आते हैं ओथ टेकिंग. देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज अ लीडर ऑफ लोकसभा एज वेल एज अ लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो. तो प्राइम मिनिस्टर और बाकी जितने भी एग्जीक्यूटिव है, दैट इज योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो कैबिनेट है, ये सभी अपनी ओथ लेते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ या इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट. क्योंकि प्रेसिडेंट को जो पावर्स मिले हुए हैं, प्रेसिडेंट ने तो उनको काम करने के पावर्स देंगे, वही तो देंगे उनको काम करने के पावर्स. तो ये किसके सामने ओथ लेते हैं कि भाई हम अपने हर काम को, हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, ये बात किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को. तभी तो प्रेसिडेंट इनको अलाउ करेंगे, ठीक है यू कैन यूज माय पावर्स टू एग्जीक्यूट लाइक दिस, तभी तो आप यूज कर सकते हैं. अभी बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट ये ओथ लेते हैं. इसमें ये ओथ लेते हैं एलिगेंस की, इनकी गोपनीयता बनाए रखने की, कॉन्फिडेंट होने की और रिलायबल होने की टुवर्ड्स दी पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट के प्रति क्या रहेंगे, विश्वसनीय रहेंगे और अपना काम पूरी तरह से करेंगे. किसके सामने रहते हैं लेते हैं ये ओथ, ध्यान रखेंगे, इन द फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ अवर प्रेसिडेंट. नाउ कम टू द टेन्योर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है इज सिमिलर टू दैट ऑफ लोकसभा. क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व होते ही कैबिनेट भी डिसॉल्व हो जाएगी, आप समझ रहे ना. लोकसभा के डिसॉल्व होते ही कैबिनेट भी क्या होगी, डिसॉल्व होगी. फिर नए क्या आएंगे, जब नए लोकसभा मेंबर के लिए इलेक्शन होंगे तो नया कैबिनेट बनेगा, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा. सो द टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट इज ऑफ 5 years. नाउ कम टू द सैलरी एंड अलाउंसेस. सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ दीज मिनिस्टर, ऑफ दीज कैबिनेट इज बीइंग फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट. इन्हें कौन फिक्स करते हैं कि सैलरी और अलाउंसेस, अलाउंसेस में इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं लाइक हाउसिंग, एकोमोडेशन, व्हीकल फैसिलिटी एंड सम अदर सर्विसेज ऑल्सो, VIP सर्विसेज यू नो. तो इस तरह के इनको सर्विसेज भी प्रोवाइडेड होते हैं. ये अलाउंसेज, सैलरी और अलाउंसेज जो इनके होते हैं ये कोई फिक्स नहीं है कि हर पर्सन को इतना ही सैलरी और इतना ही क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, या ये फिक्स कर दे कि भाई इनको सेकंड पे कमीशन है, थर्ड पे कमीशन, कोई भी पे कमीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड पे कमीशन इसके अकॉर्डिंग मिलेगा और ये फिक्स है कि इनकी सैलरी इतनी होगी. नहीं, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि क्या सैलरी रहने वाला है, क्या अलाउंस रहने वाला है. ये फिक्स कौन करेगा, पार्लियामेंट करते हैं. व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड व्हाट विल बी द अलाउंसेस विद विच दे विल गेट बेनिफिटेड, कि किस अलाउंसेस के साथ इनको क्या मिलेगा बेनिफिट्स, इनको कैसे हाउसिंग मिलेंगे, कैसे कौन कौन सी VIP फैसिलिटीज मिलेंगी, या कौन कौन सी इनको एकोमोडेशन, या किस तरह से व्हीकल, या जो भी चीजें हैं किस तरह से प्रोवाइड होंगी. इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, क्राइटेरिया फिक्स नहीं है. लेकिन हाँ, इसको फिक्स कहाँ किया जाता है, पार्लियामेंट. कौन फिक्स करता है इसे, पार्लियामेंट मेंबर्स करते हैं. नाउ कैटेगरीज. देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैटेगरी होती है, वन इज कैबिनेट, सेकंड इज स्टेट एंड नेक्स्ट इज डेप्यूटी. देखिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जो यूनियन लेवल पे काम करती है, स्टेट काम करती है किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और डेप्यूटी उनके नीचे आते हैं. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर. तो कैबिनेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यूनियन लेवल पे काम करेंगे. कहाँ करेंगे, यूनियन लेवल पे. अब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मिनिस्टर से टच में रहेंगे, सभी स्टेट्स के भी स्टेट लेजिस्लेचर के क्या होंगे, क्या होंगे, सभी स्टेट लेजिस्लेचर के फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे. तो उनके अंडर जो काम करेंगे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होंगे, वो क्या करेंगे, वो डेप्यूटी कहलाएंगे. तो मतलब हर स्टेट के लिए उनके मिनिस्टर्स होंगे. सो कैबिनेट और डेप्यूटी. अभी देखो, कैबिनेट काम करेगी, लेकिन कैबिनेट भी किससे काम करा रही है, अपने सबऑर्डिनेट से. समझिएगा, कैबिनेट भी किससे काम करा रही है, अपने सबऑर्डिनेट से. फिर से याद करते हैं कल वाला एग्जांपल, टीचर बना दीजिए डिसिप्लिन इंचार्ज. याद कीजिए, डिसिप्लिन इंचार्ज है, मैंने कुछ बच्चे भी इंक्लूड किए थे कि ये डिसिप्लिन वॉलंटियर्स है. तो टीचर भाई हर जगह मौजूद नहीं हो सकता है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों से कहा कि ऐसा बेटा, आप कहीं भी डिसिप्लिन की, आपको इनडिसिप्लिन एक्टिविटी देखती है, आप उसकी इंफॉर्मेशन मुझे देंगे. क्योंकि समटाइम मे बी पॉसिबल कि वो डिसिप्लिन इंचार्ज किसी क्लास में हो, कभी ग्राउंड में, और इनडिसिप्लिन कोई बच्चे किसी बास्केटबॉल ग्राउंड में कर रहे हो, या फिर वाटर टैंक के पास कर रहे हो, या फिर पार्क्स में कर रहे हो. तो टीचर तो एक ही है डिसिप्लिन इंचार्ज. उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी. अब उन बच्चों ने भी क्या सोचा कि हम तो 5-6 है डिसिप्लिन कमेटी में, और हम 5-6 अपनी क्लास भी लेते हैं, हम क्लास भी बंद नहीं कर सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा. तो उन बच्चों ने क्या किया, हर क्लास में अपने अपने 2-2 पर्सन सेट कर दिए कि आप ऐसा करेंगे, आप कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी होगी आप मेरे को बताएंगे. तो फिर बच्चे, हाँ भैया हम आपको बता दिया करेंगे इस तरह से. तो अभी देखिए, कैबिनेट, प्रेसिडेंट यानी डायरेक्टर ने टीचर्स के लिए यानी कि कैबिनेट के लिए क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिए. किसने मॉनिटर कराया, प्रिंसिपल ने मॉनिटर कराया. कैबिनेट ने क्या कहा कि भाई मेरे पास तो है ये पावर्स, मुझे डिसिप्लिन इंचार्ज बनना है, मुझे हाउसिंग इंचार्ज बनना है, तो अब मैं ये सारे काम कैसे करूंगा. उन्होंने हेल्प ली किसकी, कुछ स्टूडेंट्स की.
उन स्टूडेंट्स ने अपने क्या बना दिए, सबऑर्डिनेट्स बना दिए हर क्लास में, और काम होना शुरू हो गया। तो मतलब कैबिनेट भी जो अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर। तो डेप्यूटी मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, काम किसने किया, डेप्यूटी ने। उन छोटे छोटे बच्चों ने आपको बताया क्लास में, जिस क्लास के बच्चे जो आपके फिक्स है कि भैया हमारी क्लास में बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, टीचर जैसे ही क्लास से बाहर निकलते हैं सब बच्चे एक दूसरे पर पेपर पैन पेंसिल थ्रो करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से, स्टेट आप हो गए स्टेट, आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से, डेप्यूटीज से, और आपने इन्फॉर्मेशन किसको दी, कैबिनेट को, कैबिनेट को। तो डेप्यूटी और कैबिनेट के बीच में जो काम करता है वो कौन हो गए, स्टेट। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नाउ पावर्स, अब पावर्स अंडर सेक्शन 74 मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर्स। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर्स अंडर सेक्शन 74 मेंशन है। अभी देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है, वही चीज जो हम यहाँ बता चुके हैं उसी चीज को आपको यहाँ लिखना। देखिए एसएस का एग्जाम लिखते वक्त माइंड से आप जितना गेम खेलेंगे ना कॉपी में पेन पेंसिल के साथ अपने, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। कि यही हमने आपको बताया था कि ये जितने भी पावर्स है, स्टार्टिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया था तो उसके लिए जो आप पैराग्राफ लेंगे वहां पे लिखेंगे कि एक्चुअल पावर ये एग्जीक्यूट करते हैं, वही चीज यहाँ आ गया कि अंडर सेक्शन 74 में ये कहा गया है कि जो पावर्स किनको मिले हुए हैं एग्जीक्यूट करने के, सारे पावर्स किनके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके ऊपर क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है या उन पावर्स को एग्जीक्यूट कराने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और वहां सेक्शन 53 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन से पावर्स को यूज करेगा और वो अपने सब ऑर्डिनेट की हेल्प से सारे काम को क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे और इम्प्लीमेंट कराएंगे। वही चीज 74 में लिखा है फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, काम करेंगे उन पावर्स के लिए जो एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए मिली हुई है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स लिखे ना, काम कैसे होगा, लॉस कैसे इंप्लीमेंट होगी, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, तो एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट जो होती है ना वो कैबिनेट करती है। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, वो कौन कर रहा है, वो एक्चुअल में कैबिनेट करती है। स्कूल में भी जो सारी एक्टिविटीज है कौन कर रहा था, जो इंचार्ज बनाए थे प्रिंसिपल सर ने, कौन बनाए थे, इंचार्ज बनाए थे। एक्चुअल वर्क कैबिनेट के अंदर हो रहा है, हालांकि वो कैबिनेट भी अपने डेप्यूटीज से करवा रहे हैं लेकिन किसके नाम रहा है, भाई डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा, यानी डिसिप्लिन इंचार्ज ने बहुत अच्छा काम किया। तो पावर्स को एग्जीक्यूट किसने किया अंडर सेक्शन 74, हमारे कैबिनेट ने। और प्रॉपर फंक्शनिंग जो हुई, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट कौन करता है, एक्चुअल में जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है वो करी कैबिनेट पर्सन रहे, सारे काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट का काम फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम एजुकेशन मिनिस्टर कर रहे हैं, सारी पॉलिसीज प्रेसिडेंट बैठ के थोड़ी ना बना रहे हैं सारे उनके लिए। तो एक्चुअल में जितने भी वर्क गवर्नमेंट के हो रहे हैं वो अंडर द नेम ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने सिंबल ही बनाया जिससे आपको याद रहे, हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मतलब कि अगर ये ना हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना हो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी गवर्नमेंट जो होगी इट विल बी जस्ट अ बॉडी विदाउट अ हार्ट, विदाउट अ हार्ट, याद रखेंगे आप इसको, हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कि इट विल बी जस्ट अ बॉडी विदाउट एनी हार्ट। सो दैट इज व्हाट इज आल्सो नोन एज, दैट इज व्हाट इज आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग किससे हुई, गवर्नमेंट किसी की भी है लेकिन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कौन कर रहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी दैट इज हमारी कैबिनेट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, ये इसके पावर्स में, देखिए बच्चे ये तो मैंने बता दिया, ये तो आप इसके बारे में इतना लिख कर आएंगे, उसके बाद और क्या क्या इनके पास पावर्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, जितनी भी नेशनल और फॉरेन पॉलिसी बनती है, जितनी भी नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं, ये बनाने का काम कौन करते हैं, ये बनाने का काम कैबिनेट करते हैं। नेशनल पॉलिसीज है उसमें सब लोग काम करेंगे, फॉरेन पॉलिसीज है फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व रहेंगे उसमें। उसके बाद सुप्रीम कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, मतलब कि डेप्यूटीज जो मतलब एक्चुअल में काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आईपीएस आईएएस, उनके ऊपर सुप्रीम लीडर कौन है या सुप्रीम कंट्रोल उनके ऊपर कौन है, डेप्यूटीज जो काम कर रहे हैं जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल किन का है, कैबिनेट का। नाउ फाइनेंशियल पावर्स, कम टू द फाइनेंशियल पावर। देखिए फाइनेंशियल पावर में मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, फाइनेंशियल पावर में होता क्या है कि फाइनेंशियल पावर कैबिनेट के पास क्यों है,
एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है? ही इज द मेंबर ऑफ कैबिनेट. सो बीइंग अ मेंबर ऑफ कैबिनेट अ फाइनेंशियल मिनिस्टर इज एंजॉइंग ऑल द पावर्स रिलेटेड टू फाइनेंस. तो जो फाइनेंशियल बिल्स भी होते हैं जो लोकसभा प्रेजेंट किए जाते हैं वो कौन प्रेजेंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बजट कौन पेश कर रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर बजट कौन पेश कर रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर. तो फाइनेंशियल बिल जो होते हैं ना, फाइनेंशियल बिल लोकसभा में प्रेजेंट होते हैं. आपको पता है ऑल द फाइनेंशियल बिल मनी बिल्स विल बी प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा नॉट इन राज्यसभा. देखो वही चीज फिर से आ गई. तो वही फाइनेंशियल बिल्स जो है एक्चुअल में कैबिनेट प्रेजेंट करती है. कौन प्रेजेंट करता है? कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट करती है. साथ ही साथ आप ये भी पॉइंट लेकर आएंगे कि जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट का पार्ट होते हैं. तो इस तरह से फाइनेंस जो आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पावर जो है वो किसके अंदर आती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर आती है. तो उनके पास ये फाइनेंशियल स्पेशल पावर्स है. कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स ऑल्सो फॉरेन मिनिस्टर अंडर कैबिनेट. तो फॉरेन किस कंट्री के साथ हमारे क्या अलायंसेस होंगे, हमारी क्या ट्रीटीज होंगी, मतलब क्या संधि होंगी हमारी, या हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, हमारे रिलेशंस कैसे होंगे किसके साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, ये भी किसके ऊपर डिपेंड होता है? फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड होता है. तो जब ये भी चीज फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? अंडर कैबिनेट आती है. तो कहीं ना कहीं फॉरेन अफेयर्स के ऊपर भी किसका कंट्रोल है? जैसे होम मिनिस्टर्स हैं हमारे, होम मिनिस्टर बोलते हैं कि हाँ भाई हमें इनके साथ ऐसा रिलेशन रखना है, इनके साथ ऐसा रिलेशन है. फॉरेन मिनिस्ट्री ठीक है, हमें ये पॉलिसीज हमने इनके साथ ये किए हुए थे, हमें ऐसा इसका ये नुकसान हो सकता है या इसका ये प्लस पॉइंट हो सकता है. तो ये सारे पावर्स किसके अंडर आए? कैबिनेट मिनिस्ट्री. किसके अंडर है? कैबिनेट मिनिस्ट्री. और इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. नोट्स आपके पास हैं और नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको मिलेगा ज्यूडिशरी के बारे में. और हो सका तो आई विल कंप्लीट द होल ज्यूडिशरी एंड ज्यूडिशियल इन द सिंगल वीडियो. अदरवाइज आई विल मेक टू पार्ट्स सेपरेटली, वन इज सुप्रीम कोर्ट एंड वन इज ज्यूडिशियल. थैंक यू एंड प्लीज कीप स्टडीइंग.